हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टेक्नो भाईजान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक नए प्रोडक्ट के साथ में आपके सामने हैं और ये प्रोडक्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर का है और वो है सोनी MHC V02। इस मॉडल का हम आज आपको रिव्यू करके बताएंगे, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको टेस्ट भी करेंगे और आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में उसके ऊपर बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, 9000 और 10000 के बीच में उसकी प्राइस है, जबकि जब लॉन्च हुआ था तो ये मेरे ख्याल से 16000 तक के था। तो कम रेट में अमेज़ॉन पे मिल रहा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से उसको ख़रीद सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से हम उसको आपको प्रोडक्ट बताते हैं और उसको अनबॉक्सिंग करते हैं और क्या क्या आप इसके साथ में कर सकते हैं, उसका कंट्रोल पैनल कैसा है, सब चीज़ों के ऊपर हम बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बॉक्स हमको मिला है फ्लिपकार्ट की तरफ से, बहुत बड़ा बॉक्स है, आप देख रहे हैं यहाँ पर तकरीबन स्क्वायर फुट है ये, 2 फुट, तो 2 फुट ऐसा है और 2 फुट ऐसा है, बहुत बड़ा बॉक्स है। और चलिए इसको सबसे पहले बॉक्स ओपन करके हम इसमें से हमारी जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बॉक्स, ये है हमारा सोनी का MHC V02, ये मॉडल है और इसकी प्राइस जो इस पर मेंशन की हुई है 16,990 रुपये है, ठीक है। अभी स्कीम में चल रहा है अमेज़ॉन के ऊपर, आप वहाँ से जाकर अभी ख़रीद सकते हैं इसको। तो इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर हम देखें तो यहाँ पर पावरफुल साउंड है बाय स्मार्ट हाई पावर और उसके बाद में यहाँ पर कुछ उसके और फीचर्स सामने दिए हुए हैं। ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकता है ये, पीछे साइड में कुछ भी नहीं है, इधर देखें हम तो ठीक है। इसको ओपन करके हम देखते हैं, कुछ खास बॉक्स के ऊपर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे मेन ये हमारा ये प्रोडक्ट है तो इसको हम पहले साइड में रख देते हैं, उसके अंदर और क्या है वो देख लेते हैं। एक छोटा सा पैकेट है इसके अंदर और बाद में कुछ थर्माकोल्स वगैरह है तो इसको भी साइड में रख देते हैं, बॉक्स में इसके अलावा और कुछ नहीं है। पैकेट के अंदर हम देखें तो इसका एक हमको मिल जाता है एक रिमोट और कुछ इसके इंस्ट्रक्शन के लिए इसकी एक छोटी सी गाइड है यहाँ पर दी हुई, नेटवर्क वगैरह से जोड़ने के लिए। सोनी का मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कैसे यूज़ करना है, कैसे कनेक्ट करना है सब ये। और साथ में जो है तो इसका एक वारंटी कार्ड है और फिर ये भी म्यूज़िक सेंटर के लिए कुछ और दिए हुए जो ऐप वगैरह आपको इसमें डाउनलोड करना है ये सब यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, ठीक है। प्ले स्टोर से ये बार कोड के ज़रिए हम ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी और इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये भी साइड में रख देते हैं नीचे। और फिर हमको जो है तो वायर मिला है FM के लिए भी और साथ में 2 बैटरी हमको मिली है इसमें, ये वाली जो रिमोट को हम लगाएंगे, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, एक जो मेन पावर केबल है जो स्पीकर को लगा हुआ है, तो ये सब चीज़ों को हम साइड में कर देते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो मैं आपके सामने यहाँ पर इसको यहाँ से ये पर्दा हटाने वाला हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश होम थिएटर है जैसा समझ लो आप। बहुत इसका साउंड वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बेस बहुत ज़बरदस्त दिया हुआ है। अगर हम इसका लुक की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एकदम कूल लुक है इसका। और साथ में अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हैंडल दिया हुआ है जिससे आप इसको कहीं पर भी आसानी से इस तरीके से उठा के कैरी कर सकते हैं, ठीक है। ये साथ में एक केबल आपको इसे मिल जाती है, ये लगी हुई है इसमें तो, ठीक है, ये केबल इसकी मिल जाती है, मेन पावर केबल है तो इसको हम इसमें लगा देते हैं। चलिए अब सामने के इसके फीचर्स हम देख लेते हैं कि कैसा है लुक इसका और ऊपर इसके क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने से यहाँ पर एक ये एक लेबल लगा हुआ है कंपनी की तरफ से, यहाँ पर दिया गया है आप कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लूटूथ इसमें दिया गया है और डिस्क आप इसमें डायरेक्ट लगा के प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक सेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं और गिटार भी साथ में आप इसमें लगा सकते हैं डायरेक्ट और FM भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसको ट्राईपॉड के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप देखेंगे शादी वादियों में लगा हुआ रहता है तो ऐसा ट्राईपॉड पर आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, ठीक है। और कैरियो के माइक जो आते हैं तो आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई अगर आपके घर पर कोई प्रोग्राम वगैरह है
या कहीं पर भी किसी फंक्शन हॉल में कोई प्रोग्राम है तो इससे डायरेक्ट माइक आप कनेक्ट करके वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ आपको मिल जाती है। अब चलिए कुछ यहाँ पर जो इसका कंट्रोल पैनल है इसको देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक ये टेप है, यहाँ से इसको हटा कर हम आप दिख रहे हैं यहाँ पर पुश करके दिया हुआ है। इसको पुश करने पर ये देखिए यहाँ पर ये सीडी प्लेयर इसके अंदर दिया हुआ है, यहाँ पर हम इसमें डायरेक्ट सीडी लगा के प्ले कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल में हम जानते हैं कि पेन ड्राइव वगैरह ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, सीडी का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। सबसे पहले हम देखें बटन यहाँ पर, तो ये पावर ऑन करने के लिए बटन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। स्पीकर लाइट, जो इसमें लाइट जो जलेंगे तो उसको हम ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद में ये टर्निंग है, रिवर्स फॉरवर्ड करने के लिए, वॉल्यूम अप और डाउन करने के लिए। यहाँ पर माइक और गिटार लेवल है, यहाँ पर आप ये बटनों से सेट कर सकते हैं। और साथ में ये वॉल्यूम अप और डाउन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये फोल्डर बटन है, ठीक है। और आगे हम देखें तो यहाँ पर गिटार दिया हुआ है, यानी गिटार एडजस्टमेंट करना है आपको, गिटार लगाना है तो आप ये इसको प्रेस करेंगे। माइक इको दिया हुआ है, इको उसमें सेट करने के लिए। वोकल फेडर है, उसके बाद में फंक्शंस है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक बटन आपको दिया हुआ है। मेगा बेस, यानी हाई पावर बेस करना है तो ये प्रेस करेंगे आप। और इसके बाद में साउंड फील्ड, और आखिरी पे दिया हुआ है पार्टी चेन, यानी पार्टी वार्टी करने के लिए यहाँ पर आपको सारे मोड इसने दिया हुआ है। और होम ऑडियो सिस्टम है, ठीक है। तो ये इसका हो गया कंट्रोल पैनल, बहुत ही दिखने में बहुत ही कूल है ये। सामने देखते हैं अब इसके फ्रंट में क्या दिया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स सामने से हम देखें तो यहाँ पर लोगो मिल जाता है सोनी का, उसके बाद में यहाँ पर इसका डिस्प्ले दिया हुआ है और दो ट्यूटर साथ में हैं इसके। और यहाँ पर इसका जो मेन स्पीकर है यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ में यहाँ पर लाइट्स वगैरह ट्यूटर इसमें दिए गए जिससे एकदम शाइनिंग लगेंगे इसके अंदर, ठीक है। साइड में हम देखें तो स्पीकर के साउंड के लिए यहाँ पर कुछ गैप्स दिए हुए हैं। और पीछे हम साइड में देखें यहाँ पर तो कुछ केबल्स यहाँ पर आप लगाएंगे, तो देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड प्ले के लिए यहाँ पर यूएसबी, आप डायरेक्ट पेन ड्राइव लगा के या यूएसबी केबल लगा के या यूएसबी पेन ड्राइव लगा के कार्ड रीडर लगा के डायरेक्ट आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। एफएम रेडियो के लिए दिया गया है, उसके बाद में इनपुट आउटपुट के लिए दो केबल जो आते हैं वो लगा के आप इसको टीवी वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर माइक और गिटार के लिए एक जैक दिया हुआ है, तो यहाँ पर से आप आपकी गिटार को ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पावर के लिए दिए गए जिसमें हमने पिन लगा दिए। तो ये हो गया इसके पूरे बाहर का हमने देख लिए, अब हम इसको ऑन करेंगे और देखेंगे। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना हल्का सा ब्लू लाइट यहाँ पर नज़र आ रहा है जिससे ये बहुत ही कूल लग रहा है। और यहाँ पर ब्लूटूथ बीटी ऑडियो दे रहा है, यानी हमको ब्लूटूथ अभी इस पर कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही कूल और बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको फिर हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं और साउंड टेस्ट करते हैं कैसा है ये हमारा स्पीकर। तो फ्रेंड्स इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमको हमारा ब्लूटूथ ऑन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑन हो गया है ब्लूटूथ, अब ये सर्च कर रहा है यहाँ पर। तो हमको इस स्पीकर का जो ब्लूटूथ बटन है उसको प्रेस करके रखना है। देखिए यहाँ पर साउंड आया है ब्लूटूथ के लिए, ठीक है। ये पेयरिंग यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर पेयरिंग आ रहा है, इसको प्रेस करके रखना है हमको, ठीक है। और इधर ब्लूटूथ ऑन कर दिया हूँ मैंने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ पर पेयरिंग आ रहा है और यहाँ पर आ गया है MHC V20। तो इसको प्रेस करके हम पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है तो ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ब्लूटूथ कनेक्टेड हो गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ आ रहा है। चलिए कुछ सॉन्ग प्ले कर देते हैं हम इसमें। तो सॉन्ग नहीं, मैं यूट्यूब के साउंड प्ले करूँगा कॉपीराइट के इशू की वजह से। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर साउंड ज़बरदस्त इसका आ रहा है, इसमें बेस बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। और यहाँ पर ये मैं वॉल्यूम अप कर रहा हूँ और वॉल्यूम डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट कितना ज़बरदस्त आ रहा है और जो म्यूज़िक है उसके हिसाब से ये डांसिंग कर रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स आपने देखा कितना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये, इसको हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, लेकिन अमेजोन के ऊपर भी अभी स्कीम चल रही है, अराउंड 10,000 रुपीज़ इसकी भी प्राइस है। तो आप डायरेक्ट अमेजोन से भी जाकर खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से आप जाके इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, अगर आप देखें इसको तो मैंने चारों तरफ से आपको दिखाया हूँ पहले, तो बहुत ही पार्टी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप कोई छोटे मोटे फंक्शंस करते हैं या कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो आप डायरेक्ट इसको माइक कनेक्ट करके डायरेक्ट माइक यूज़ कर सकते हैं, क्रोके माइक लगा के आप छोटी मोटी जो पार्टीज़ वगैरह होती है खेत वगैरह में
तो वहाँ पर आप वो कर सकते हैं आसानी से, आप इसमें माइक अटैच करके, साथ में आप गिटार इस पर आपकी डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं और इसको प्ले कर सकते हैं। और अगर नाइट में आप चलाएं तो एकदम पार्टी जैसा ही लगेगा, क्योंकि इसमें लाइट जो दिए हुए ब्लू लाइट बहुत ही ज़बरदस्त है, और कंट्रोल पैनल तो बहुत ही स्टाइलिश है। हमने देखा है कि किस तरीके से बस प्रेस करने पे सीडी जो है तो ओपन, और सीडी का हालांकि कोई काम तो अभी है नहीं फिलहाल में, लेकिन पीस अच्छा है। और अभी तक के हमने जो चैनल के ऊपर स्पीकर के वीडियोस बनाए हैं इसके ऊपर, तो ये सबसे बेस्ट स्पीकर है, क्योंकि इसकी प्राइस भी आप समझ सकते हैं, और सबसे मेन कि ये सोनी का है, और सोनी जो है तो साउंड के लिए मशहूर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और बहुत ही ज़बरदस्त पीस आपके सामने आज हमने लेकर आया। नीचे देखिए यहाँ पर ये माउंट करने के लिए, आप कहीं पर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने देखेंगे शादियों के अंदर लोग लगाते हैं स्टैंड के ऊपर, तो यहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो चारों तरफ से हम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त पीस है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके के अनबॉक्सिंग देखने के लिए, प्रोडक्ट के रिव्यू देखने के लिए आप हमारे इस चैनल टेक्नो भाईजान को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे आप सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कीजिए, खासतौर से इंस्टाग्राम के ऊपर, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे आप टेक्नोलॉजी के बारे में पूछिए, या फिर आप यूट्यूब के बारे में भी कोई क्वेश्चन आपके है, या कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है आपका चैनल ग्रो करने में, तो आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में, किसी नए प्रोडक्ट के साथ में, और हो सकता है हम इसके आगे की वीडियोज़ भी इस पर बनाएँ, क्योंकि हम इसके अंदर आपको गिटार भी लगा कर कभी बताएंगे, या फिर इसके अंदर जो है तो और कैसे कैसे साउंड को हम, और कौन कौन सी चीज़ें माइक वगैरह कैसे इस पर ज्वाइंट करेंगे, तो सारी चीज़ें हम आपको बाद में इसके ऊपर बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।